Citylive, a platform to sharing your thoughts. द एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान ने आज राजस्थान के उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए अवार्ड कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा के साथ राज्य सरकार के कई अधिकारी शामिल हुए। इस मौके पर प्रदेश भर से उद्योगों के प्रतिनिधि कार्यक्रम में मौजूद थे। अभी हम नया एक्ट लेकर आए हैं, एमएसएमई एक्ट, जिसमें उद्योगपतियों को जो परेशानी होती थी उसको भी हमने दूर किया। अभी सिंगल विंडो सिस्टम हम लेकर आ रहे हैं पंजाब से, बहुत अच्छा कि उद्योगपतियों को एक खिड़की के अलावा कहीं परमिशन के लिए जाना नहीं पड़े। उसमें चाहे हमको कानून बनाकर उसमें बदलाव करना पड़े, कानून लाकर हम इसमें सुधार करेंगे कि उद्योग लगाने वाले को राजस्थान सरकार से एक ही जगह से सारी चीज़ों का समाधान हो, कहीं भी भटकना नहीं पड़े। जिससे आज उद्योगों को जो सबसे बड़ी परेशानी हो रही थी कि वो राजस्थान में इसलिए नहीं आते थे कि उनको 2-3 साल तो उसी में ख़त्म हो जाते थे, इसका कानून बनाकर हम 17 दिसंबर से पहले नया कानून लाकर इसमें सुधार करेंगे। एमएसएमई पोर्टल को कैसा, कितना ऐसा एमएसएमई पोर्टल तो देश का पहला ऐसा है जो 2 मिनट में आपको परमिशन मिल जाए, सिर्फ 2 मिनट। 2500 से भी अधिक अब तक परमिशन मिल चुकी और बहुत पॉपुलर हुआ है। केंद्र सरकार भी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, सारी सरकारें, उत्तराखंड वगैरह ने सब ने हमारे एक्ट की कॉपी को मंगवाया है और उस पर ही लागू करने का। ये अपने आप में एक तरह ऐसा कानून है जो देश में पहली बार राजस्थान सरकार लेकर आई। सेंटर को भी लाना चाहिए, सेंटर को भी ये हमारे कानून की नकल करनी पड़ेगी, सबको करनी पड़ेगी। आज उद्योगपति ये चाहते हैं कम समय में हमारा उद्योग लग जाए, कम समय में हमको उत्पादन शुरू हो जाए, बिजली की हो, पानी की हो, ज़मीन की हो, उनको कोई परेशानियां नहीं हो। जहां परेशानियां कम होगी वहां निश्चित रूप से उद्योगों में ज़्यादा निवेश हो। 55 साल किसी भी एसोसिएशन को चलाना अपने आप में बहुत बड़ा काम है, इट्स नॉट ईजी। और सबको साथ में बांधे रखना, सबको जोड़ के रखना बहुत बड़ा काम है। और जो ये अवार्ड दिए हैं, मैं समझता हूँ जो पिछले 1.5-2 साल से जो एक मंदी की धारणा उद्योगों में रही है, निराशा की भावना रही है एमएसएमई में खास करके, इन अवार्ड से उनको प्रोत्साहन मिलेगा। इसको देख के वो भी तेज़ी से आगे बढ़ेंगे और न सिर्फ राजस्थान बल्कि पूरे देश में अपना योगदान देंगे, उद्योगों को और व्यापार को नई ऊर्जा का संचार होगा, ये मेरा मानना है। देखिए, जहाँ तक रील का सवाल है, रील भारत सरकार का मिनी रत्ना पीएसयू है और हम राजस्थान में और राजस्थान से पूरे देश और पूरे विश्व में काम करते हैं। आपने जो एम्प्लॉयज़ की बात करी, एक्चुअली एम्प्लॉयज़ आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है, तो अनटिल अनलेस हम उनका ध्यान नहीं रखेंगे तब तक हमारे व्यवसाय में बढ़ोतरी नहीं हो सकती। एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के रिलेशन बहुत अच्छे होने चाहिए। एम्प्लॉयड से आपको सब कुछ मिल सकता है अगर आप उनके और उनके परिवारों का ध्यान रखेंगे। अपने व्यवसाय का जहाँ तक सवाल है, आप व्यवसाय में सोच लंबी रखें, दूर तक की सोच रखें। आज से 5 साल बाद क्या होना है, 10 साल बाद क्या होना है, 15 साल बाद क्या होना है, वो प्लानिंग आप कहीं ना कहीं अपने ऑर्गेनाइजेशन में करें। दूसरा, जिस भी जगह काम करें, जैसे कि हम राजस्थान में काम करते हैं, तो हम राजस्थान में और क्या कर सकते हैं, राजस्थान के लोगों को कैसे जोड़ सकते हैं, राजस्थान के एमएसएमई सेक्टर को हम अपने आप से कैसे जोड़ सकते हैं। तो ये 3-4 तरीके हैं जिनसे हम खुद को संपन्न करते हैं, सरकार को कंट्रीब्यूट करते हैं, लोगों को कंट्रीब्यूट करते हैं और सबसे बड़ी बात ये एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर एसोसिएशन द्वारा किया गया आयोजन निश्चित तौर पर उद्योगों में एक प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करेगा, जिससे बिजली के उपयोग में, लागत को कम करने में, विक्रय के नए नए संसाधन ढूंढने में ये मदद देगा, ऐसा मेरा मानना है। पिछले दशक में एम्प्लॉयर एसोसिएशन जो उन्नति की है और जो नए नए आयाम पैदा किए हैं, केवल मुकदमेबाजी के मामले से हटकर जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात की है, उसके लिए नया नेतृत्व एनके जैन का साधुवाद का पात्र। और जिस उत्साह से लोगों ने इसमें अपनी एंट्री भेजी वो हमारे, और उसमें जो हमने डिटेल्स देखी वो बहुत ही मतलब सराहनीय थी। और हमको कहीं नहीं लग रहा था कि ये जो मंदी का जो वातावरण है
वो यहाँ पे कुछ प्ले कर रहा है। City Live, a platform to sharing your thoughts.